ओम शांति। 24 फरवरी साकार मोली। मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे या अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी है ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरी राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं समझते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है यह किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी है तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं है, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है, कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं, और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैनेजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है। बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजयी होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियाँ सागर से निकली है, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती है। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं उनके मुख से पानी निकलता है। समझते हैं
यह गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाढ़ मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाढ़ मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसने स्नान करने से मनुष्य से परे बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते। यह भी परी मिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्होंने त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला ब्रह्मा को, उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी दुनिया को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मुंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयो से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे। हम अपने ऑफिसर को फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए, बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है न कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहां मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्तिमान की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी कुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो यह है नर्क।
स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी है नई। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़ी बैठ ऐसो से माथा मारेगा, यह तो तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, कोई को इतना भी अक्कल नहीं जो पूछे कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताई नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती है। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भाव बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है माम एकम याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्यों में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वहाँ मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप ही विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं, इस विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत चीत बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान, पहली पॉइंट सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरी पॉइंट माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। विस्तार जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत पर थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा
चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ओम शांति।